लेकिन पंजाब के मजे नासिर भी पंजाब लाइफस्टाइल। जाओ यार जाओ, आधे रास्ते छोड़ के जाओ, जाओ 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 यार जाओ, दिमाग करना के जाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सकते हैं तुम? ठीक हो? जा रहे हैं खुश हैं आबाद रहे और हमारे लिए दुआ करते हैं। अभी जो है फजर का टाइम, तो नमाज के लिए उठ गए। अभी जो है मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सो व्यूअर्स, सुबह का टाइम है, मैं भी नमाज पढ़ी, कस पढ़ रही थी। तकरीबन 6 बजे का टाइम है, नमाज तो मैंने करके पढ़ ली, कुरान मजीद मंजिल कर रही थी, तो उसमें टाइम लगे। तो यहाँ जो है आपको देखिए कितना सन्नाटा है, यहाँ शोर नहीं है, सुकून है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम है। और नासिर अभी सो रहे हैं, नमाज के लिए मैंने उनको उठाया था, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर लेट गए। अभी घर वाले सो रहे हैं, फिर नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता भी आपसे शेयर करेंगे। अभी जो है मैं वापस जा रही हूँ अपनी अम्मी के साथ, वापस जा रही हूँ। ये आज नासिर तो नहीं उठने वाला, क्योंकि इतने अरसे बाद जो है वो घर आया है, तो वो भी सो रहा है, तो उठेगा तो कल से इंशाल्लाह नासिर के साथ वापस जाएगा। मैं आज अम्मी के साथ जा रही हूँ, तो फिर वाक से वापस आके नाश्ता भी आपसे शेयर करेंगे और नासिर से भी बात करेंगे। अम्मी उठ गई थी, अम्मी और मैंने नमाज भी साथ में पढ़ी, और अभी वाक पे जा रहे हैं, तो अभी नासिर वाले सो रहे हैं, घर वालों को सुने लेते हैं, अम्मी और मैं वाक पे जा रहे हैं। व्यूअर्स, मैं कर रही हूँ तेज़ तेज़ वाक, और ये है हमारे बाहर का एरिया। यहाँ ट्रेन रुकती है, लेकिन सिर्फ मालगाड़ी, दूसरी गाड़ी नहीं रखती। वहाँ स्टेशन है आगे, मैं जाऊँगी कभी, आपको दिखाऊँगी स्टेशन भी और रेलवे ट्रैक पास से। फ़िलहाल मैं जो है वो वॉक कर रही हूँ, अम्मी पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं और मैं वॉक कर रही हूँ। मेरे पास ये मेरे घर के पास सड़क है, और हम सड़क पे वॉक कर रहे हैं। यहाँ पर बाइक वगैरह भी होती हैं, कभी कभी बड़ी गाड़ी भी आती है, लेकिन ज़्यादातर छोटी गाड़ी ही होती है। तो माँ इधर वॉक करें, अम्मी अभी दुकान से दूध वगैरह ले रही है, नाश्ता बनाने का सामान ले रही हैं। नासिर को नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ गांव है, यहाँ ऐसे होता है, हम बड़ी औरतें जो होती हैं वो चली जाती हैं शॉप पे, शहर में भी चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दूध तो घर से आता है, मतलब कि जहाँ जहाँ से लेते हैं वो घर से ही आता है, और बाकी सामान जो है जो कभी कुछ कम हो गया तो वो फिर अम्मी ले आती हैं। नासिर को नहीं उठाया मैंने, यार नासिर बहुत थका हुआ है, पूरे 2 साल की थकन है बेचारे की उतरेगी। तो अभी नाश्ते के बाद मेडिसिन ले रही हूँ। ये मेडिसिन है, ये सिर्फ सुबह की है, दोपहर में हो रहे हैं, फिर शाम में हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और हमारे लिए भी दुआ करते रहें। तो आज है जुमा, मेरी तरफ से सबको पहले जुमा मुबारक हो गया, और कल का भी लोग ऐड नहीं किया था, तो कल का भी लोग भी आज मिक्स होगा, तो इंशाल्लाह आपको दो दिनों का एक दिन ही आपको दिखाएंगे। बाकी सुबह का नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में आज मेरी दही और रात का सालन और पराठे और एक आध बिस्किट, जो कि मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, हाँ, तो अभी दही की बनाएंगे लस्सी, आज दही नहीं खाऊंगा, लस्सी बना के दो मुझे। सही, मीठी। मैंने तो दही रख दी, मैंने कहा दही के साथ खा लेंगे आप। नहीं, आज लस्सी बना दो। कराची में तो इसका नाश्ता होता था अचार के साथ, केचप के साथ। अभी क्या बनाऊं फिर, मैं बना ही नहीं सकता था, इतना आलस सुस्ती। अच्छा, तो अभी ये नाश्ता कर ले। बाकी आज मौसम पहले से भी बहुत अच्छा है, आज मैंने जाना था कहीं काम, लेकिन मैंने कहा शायद धूप निकली होगी इसलिए नहीं गया, लेकिन अब देखा बाहर मौसम तो माशाल्लाह, अंदर बैठे इतनी ठंडी हवा लग रही है बगैर पंखे की, बहुत प्यारा मौसम है माशाल्लाह। तो अभी नाश्ता कर ले। काम का क्या बना? काम का कल गया तो था, उसने कहा हफ्ते इतवार आ जाओ ड्यूटी पे। तनख्वाह वही छोटे वाली पुराने वाली? नहीं नहीं, तनख्वाह बढ़ाएगा, वो जा रहे हैं आज लाहौर, वो आएंगे सोमवार को। सही, उसने काम पे आ जाओ फिर मैं आऊँगा, फिर देखते। सही, चलो व्यूअर्स, नासिर जो है वो भी नाश्ता कर ले,
मेरा तो गला ही नहीं ठीक हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। अभी तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, कुछ मेडिसिन ले नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया कोई भी मेडिसिन लेने से। तो अब जो एक महीने बाद जाएंगे तो ही पता चलेगा क्या है क्या क्या नहीं। पता नहीं क्यों दर्द भी नहीं है ना, सिर ऐसी बस आवाज़ ख़राब हो रही है, कोई पेन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। हाँ आज अम्मी ने गर्म पानी करके दिया उसके, वो पानी पे कोई जुकाम वुकाम कुछ भी नहीं है, बस सोती हूँ ना। फिर भी अच्छा स्टीम नहीं ली, स्टीम लूँगी आज भी। लो ना सही टाइम करो एक दिन, सही लूँगी स्टीम। आप नाश्ता कर लें फिर आज की रूटीन भी शेयर करेंगे व्यूअर्स से। तो दो मिनट वेट कर लो ना, लस्सी बनाती हूँ। बीच में छोड़ दूँ? नहीं बस मैं बना रही हूँ, जा रही हूँ बस। व्यूअर्स मैं इसको लस्सी बना के दे दूँ, बाद में बात करते हैं हमसे। हाँ जी बन गई लस्सी अभी, दिखाएं माशाल्लाह। देखो ना पंजाब के मजे ना सिर्फ पंजाब लाइफस्टाइल। नाश्ता भी इतना फ्रेश। कल से इंशाल्लाह नासिर जॉब पे चले जाएंगे, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी घर। हाँ नासिर। हाँ कोई नई बात थोड़ी है, पहले कौन सा मैंने नहीं किया? वो तो है, अभी 2 साल कटे रहे हैं ना, एक दिन भी नासिर काम पे नहीं है। अभी कल फर्स्ट डे होगा, पता नहीं कैसे गुजरता है मेरा। ये कौन सी बात है, काम नहीं करना? काम तो करना है, वो तो मैं भी चाहती हूँ आप काम करो। तो अब खाना खा लें तो बाकी की रूटीन बाद में शेयर करेंगे, ठीक है? हाँ कर, काम कर लो, मेरे ऊपर सर पे खड़ी हुई है। हाँ हाँ सर पे खड़ी हुई, तुम्हारे सर पे तो नहीं बैठी हुई, मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई। पेट में दर्द हो जाएगा, जा मुझे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैंने नाश्ता कर लिया तुमसे पहले, मेडिसिन भी ले ली। लस्सी नहीं पीनी ना इसलिए? तो मैंने कुछ कहा लस्सी मैंने पीनी है? मैंने तुमसे मांगी है क्या? भूखा खुद भूखा है, ये भूखा है ना खुद, दूसरों को नजर लगाता है इसलिए मुझे कह रहा है। जाओ जाओ काम करो। पंजाब में आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़े थोड़े बादल हैं, कभी छाँव हो जाती है तो कभी धूप। देखे कितना प्यारा मौसम आ रहा है। करके थोड़ी देर फिर दोबारा लेट गए थे, अभी उनका नमाज का टाइम हो गया था, वो उठे और जल्दी जल्दी से मुँह हाथ धोए कि फ्रेश तो वो होके ही सोए थे, तो वो चले गए नमाज के लिए। अभी जो है उनको पता नहीं है, मैंने तैयारी कर ली है मायके की और उनको बताया था मैंने कि मैं जाऊंगी, लेकिन पक्का नहीं किया था कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी जो है मैं रेडी फुल हो गई हूँ, अभी नमाज से वो आएंगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। अम्मी को भी बताया, अब्बू को भी बताया कि मैं जाऊंगी, अम्मी अभी ने इजाज़त दे दी है कि आप चले जाओ, लेकिन नासिर का पता नहीं है, उसको मैंने कन्फर्म नहीं किया कि मैं जाऊँगी। अभी देखते हैं वो नमाज से आते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है, तो फिर आपसे भी शेयर करते हैं। वहाँ से आ जाए वो, मैंने बाकी तैयारी फुल कर ली है कि मैं जा रही हूँ। अच्छा नहीं जाने देंगे जब भी बैठ जाऊँगी, अभी कोई पता नहीं है फिलहाल। चलें देखते हैं नासिर आगे भी। वो जो है वो नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, बच्चे भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, नासिर नहीं आए क्योंकि काफ़ी अर्से बाद गए हैं, मतलब पहला जुमा है पंजाब में नासिर का नमाज़ पढ़ने का। तो नासिर के जो दोस्त मिल गए थे वो वहाँ पर थोड़ी देर के ठहर गए, अबू और बच्चे आ गए। अबू और बच्चे जो है खाना खा रहे हैं क्योंकि जुमे का दिन है, दोपहर का खाना तैयार था, तो आते ही हमने सबको खाना दे दिया अम्मी ने। तो अम्मी और सब खाना खा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अबू खाना खा रहे हैं, अम्मी खाना दे रही है सबको। अम्मी दे दिया सबको खाना? हाँ, सब। अब्दुल्ला भी आया है खाने? अब्दुल्ला भी आया हुआ है। ज़ैना भी आई हुई है? अबू खाना खा रहे हैं। अच्छा दिन गर्म हो गया ना, ज्यादा टाइम हो गया है। हाँ ये बच्चे भी खाना खा रहे हैं। भाई तुम्हारी टांग नहीं छुपी अभी तक, ठीक नहीं हुआ पाऊँ? पिछली वीडियो में भी ऐसी टांग निकाली हुई थी, अभी तक इसका पाँव ठीक नहीं हुआ। बच्चे खाना खा रहे हैं, अब्दुल्ला भी खाना खा रहे हैं। अम्मी क्या बनाया दिया? भिंडी। भिंडी बनाई है हमने, भिंडी बनाई है, बच्चे खा रहे हैं, साथ में थोड़ी सी दाल भी बनाई है, रोटियां बनी हुई हैं। तो नासिर अभी आते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। नासिर आने वाले होंगे अभी, बस आ ही गए क्योंकि मस्जिद हमारे घर के बिल्कुल करीब है, तो नासिर आ गए हैं। क्या हुआ? वालेकुम सलाम, क्या हुआ? तो आ गए नमाज पढ़ के? सही।
खाना खा लो। नहीं मैं शाम को। क्यों? नाश्ता ज्यादा कर लिया था क्या? लस्सी पी है ना मैंने। अच्छा तैयारी किस चीज़ की? बताया तो था आपको। क्या बताया? कि मैं जाऊंगी भाई के घर। क्यों? परसों वाले दिन तो भेजा है तुम। परसों फिर आज जुमा है ना, आज भाई घर है। तो क्या हमारे घर जुमा नहीं है? हम भी घर। तो था आपको कि मैं जाऊंगी। तो रोज रोज जाना, डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने किसी को नहीं मिलना। तुमने रोज फिर वही काम पकड़ा हुआ। उधर तो बोल रही थी मैं ना, सिर्फ किसी के घर नहीं जाऊंगी, किसी के घर नहीं जाऊंगी। तो किसी के घर में जा थोड़ी आई हूँ, भाई के घर जा रही हूँ ना। यार परसों भेजा है ना तुम्हें, तुम 3-4 घंटे लगा के आई हो ना। जल्दी वापिस आ जाऊंगी ना, 5 बजे वापिस आ जाऊंगी। जाओ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जाओ तो बोल रहा कि नहीं जाओ, नहीं जाऊँ। मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग नहीं खराब करो ऐसे ही बस। उधर बोल रही थी मैं किसी के घर नहीं जाऊँगी, तुम पंजाब चलो, मैं किसी के घर की नहीं जाऊँगी, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। कोई फायदा नहीं है तुम्हें फिर ले जाने का। इधर उधर थी ना तुम, ठीक थी, अकेली थी, मज़े में थी तुम। अम्मी आप बोले नासिर को कि मुझे जाने दें। आप बोले आप जाए, आप जाए। नासिर तो ऐसे बातें करता है, कितने महीने से बात आई हो और भाइयों को मिलना का गुनाह थोड़ी है, आप चले जाओ। असल अम्मी तो बोल रहे चले। गुनाह की बात नहीं है अम्मी, मुझे पता है ना कितने मैं ध्यान रखता हूँ, कितनी मुश्किल हुआ मुझे कराची में। आपको आपको प्यारी है तो भैया को प्यारी है, जाने दो आप। प्यारी की बात नहीं है, जब सेहत खराब होती फिर काम बात नहीं है। यहाँ से कितने 700 किलोमीटर दूर है कराची। अच्छा अभी आपके उसके भाई लेके चले जाएंगे। जाओ जी जाओ। मम्मा ने कह दिया ना, मम्मा का कहना मानेगा मेरा बेटा। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? अब्दुल्ला ने खाना, अब्दुल्ला को बुखार आया हुआ है। नानी के घर से नहीं जाया का ये। जाओ अब, जाओ 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 जाओ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ। ऐसे वैसे नहीं जाओ, मैं मुझे कोई पता नहीं है, जाओ ना जाओ मुझे कोई मसला नहीं है। फिर तबीयत खराब होगी तो मैं कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं मुझे नहीं बताना कि मुझे दर्द है, मुझे मसला हो रहा है, कुछ मुझे नहीं बताना। जाओ बिल्कुल जाओ, मैंने जाना ही नहीं। जाओ अब जाओ, क्यों खड़ी हो? नहीं मुझे नहीं यार बस। जाओ जाओ, नहीं जाओ आप, जल्दी नहीं यार अपने दिल से, फिर मैं नहीं जाऊंगा। जाओ जाओ ऐसे, फिर इंसान को नुकसान होता है। जाओ जाओ बस जाओ, मैंने नहीं जाना। जाओ जाओ, फूफो भतीजी जाओ, चलो 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 चलो, मेरे घर से दूर हो जाओ, चलो। ये तहमीना की सहेलियाँ हैं, ये देखें तहमीना की सहेलियाँ देखें। तहमीना अपनी दोस्त को भी ले जाओ। हाँ जाओ 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 यार, जाओ आदर्श से छोड़ के जाओ। जाओ 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 यार, जाओ दिमाग करना के जाओ। जाओ नहीं जाओ, जाओ जाओ जाओ। तो फिर आपको बताया था, मीना तो चली गई है अपने भाई के घर, तो मैंने जितना रोका लेकिन वो चली गई है, अम्मी से पूछ के चली गई है। अम्मी का कहना तो मैं नहीं डाल सकता था, तो मैं अभी सिस्टर के घर के पास ही खड़ा हूँ, मैं भी घर नहीं गया अभी। ये सिस्टर ने कुछ क्यारी लगाई हुई है, टमाटर लगाए हुए हैं, काफ़ी सारे फूल वूल लगाए हुए हैं। और तमीना आएगी तो फिर देखेंगे, बाकी तमीना गुस्सा होकर गई है, मैं भी उससे नाराज़ हो गई हूँ। यहाँ से भी मैंने, और आपको पता ही है कितना परहेज करना पड़ता है, लेकिन तहमीना बिल्कुल नहीं मानती मेरी बात। जो होगा देखा जाएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।